यूपी के रामपुर से एक झकझोर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला के साथ सरेराह मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोग वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन किसी ने उस महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने अमानवीय हो चले हैं। इनके द्वारा न सिर्फ महिला के साथ गाली गलौज की गई, बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। हैरानी की बात यह है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। यहाँ मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही और पिटती हुई महिला का वीडियो रिकॉर्ड करती रही। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या वो इस महिला को बचा नहीं सकते थे? सवाल यह भी है कि आखिर इन दबंगों के हौसले किसके दम पर इस कदर बुलंद हैं कि ये लोग महिला को इस तरह सरेराह पीट रहे हैं। इससे भी बड़ा जो दुस्साहस है वो यह है कि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी उतनी ही तेजी से वायरल किया जा रहा है। ये वायरल वीडियो यूपी के रामपुर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर अमानवीय हो चले हैं। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर अचानक महिला से कुछ लोग कहासुनी करते हैं। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि लोग महिला से मारपीट करने में भी कोई गुरेज नहीं समझते। इतना ही नहीं, वहां मौजूद भीड़ उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और कोई भी उस महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाता। देखो अपनी बेटी, जो हमारी बेटी सामान लेने आए थे, सामान लेकर जा रहे थे, उन्होंने हमें पकड़ कर मारा, हमारे बच्चे को भी मारा, इनके हाथ में भी चोट आ गई। तो क्यों मारा, क्या वजह थी? हम सामान अपना भर रहे थे, सामान भर रहे थे, उन्होंने फिर पता नहीं क्या सोचा, वो डट गए थे मारने के। कितने लोग थे मारने वाले? वो 7-8 जने थे, हम 4 जने थे। बेटी की शादी हुई थी यहाँ पर? कितने समय पहले शादी हुई थी? उनकी शादी हुई थी 3 साल पहले। तो फिर क्या हुआ? उनके पति मर गए थे, उनके वो क्या कैंसर बन गया, फिर तो वो मर गए थे। उसके बाद में इन्होंने देखो ना, तो उसे बच्चों को कुछ दे रहे हैं ना खिला पिला रहे हैं जी, तो उसी के चक्कर से ये मार रहे हैं। फिर उसे जब आती है तो लड़ाई। अच्छा, आप जो आए थे कितने लोगों के साथ आए? आपको क्यों मारा गया? बीच चौराहे पे मारा गया आपको? लाठी डंडों से मारा था भाई, हम सामान भर रहे थे, ये सोच रहे थे कि तुम सामान की हमारा ले जा रहे हैं, तो हम इनका क्यों ले जा रहे थे, हम तो अपना ले जा रहे हैं। आपने अभी कोतवाली में शिकायत की है? हाँ। तो क्या आपको वहाँ पुलिस से क्या मदद मिली है आपको? वीडियो रिकॉर्ड करने वाले युवक का दुस्साहस देखिए कि पहले उसने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस वीडियो को वायरल करने के पीछे आरोपी का क्या मकसद हो सकता है। सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाएगी? सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस जिस युवक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके वायरल किया, उस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई कर पाएगी? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन उनके जवाब समय के गर्भ में छुपे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर रामपुर पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह दबंग महिला के साथ जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। Time24 न्यूज के लिए रामपुर से अमन खान की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।